ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में स्थित सेठ अल्ट्रासाउंड सेंटर पर चोरी से अल्ट्रासाउंड किए जा रहे थे। बताया जाता है भारी कमीशन मिलने की वजह से स्वास्थ्य विभाग की आशाएं भी अपने मरीजों को लेकर यही आती हैं, जिससे काफी भीड़ एकत्र हो जाती है। लेकिन सेंटर संचालक बस अपनी कमाई के चलते लॉकडाउन का पालन कराने पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। आए दिन सेंटर पर भीड़ होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। किसी ने सेंटर पर लगी भीड़ की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। फिर क्या था, वैभव श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत CMO सीमा अग्रवाल को कार्रवाई करने के आदेश दिए। CMO सीमा अग्रवाल ने अपनी टीम व पूरनपुर तहसीलदार, नायब तहसीलदार अनुराग और पूरनपुर कोतवाली पुलिस के साथ सेज अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी की तो उसमें 80-90 लोग मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद करा दिया गया। जो आदेश आए हैं वो खाली जो इसलिए आए हैं कि आवश्यक सेवाएं जो हैं वो दी जाएंगी, और उसमें भी आपको जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्क्रीनिंग प्रॉपरली हो जाए और भीड़ ना लगे, है ना। लेकिन डॉक्टर साहब को बार बार इस चीज़ के लिए बताया भी गया है, एक बार MOIC खुद गए भी थे, उनको ट्रेनिंग भी दे दी गई है इस बात की, लेकिन उस चीज़ को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि जो है एपिडेमिक एक्ट में जो है वो अपराध है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी अभी तो सील ही क्या है। हमें एक और अल्ट्रासाउंड की शिकायत मिल रही है कि बार बार वहाँ पे भी इस तरीके की परेशानी आ रही है। अभी तो आज तो वो बंद है, जब खुलेगा तब। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहें A1 न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।